और वो धीरे धीरे ला रही है, तो लंगड़ा के चलिए। अरे लंगड़ी जल्दी लेके आप, पानी ऐसे बोलोगे आप? नहीं बोलेंगे। तो कहने का मतलब जिसके प्रति प्रेम होता है, भाव होता है, उसको आप उसको तरीके से बोलो, अरे थोड़ा जल्दी ले आ प्लीज, मुझे जरूरत है, ऐसे बोलेंगे ना। तो कहने का मतलब है सच को बोलने का तरीका होता है, उसको ऐसा नहीं रूड तरीके से बोले, जो आपका जिसका तो प्रिय लगता है उसको हर्ट भी ना हो, समझा भी दिया जाए। सत्यम प्रियम हितम च वर, तो सत्य बोलना अति आवश्यक है। तो खैर सत्य आगे, झूठ बोलना हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, और गाली देने वाला, अभद्र भाषा का प्रयोग करते, अभद्र अच्छे शब्दों का नहीं प्रयोग करना। उसके बाद है कटुवादी, कड़वा बोल देना, कड़वा बोल देना, किसी को हर्ट हो जाता है। अस्त व्यस्त, अनियमित, अनियमित नॉट पंक्चुअल, समय को नष्ट करने वाला, समय को नष्ट करने वाला, अहंकारी, घमंडी, हड़बड़िया, हड़बड़ी जल्दीबाजी करने वाला, ईर्ष्यालु, असहिष्णु, किसी ने कुछ बोल दिया तो तुरंत सहन नहीं करना, असहयोगी, दूसरे का सहयोग ना करना, कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहा है सहयोग ना करना, षठ मतलब कि जरूरत पड़ने पे अपना उसकी मदद नहीं करना, किसी को बहुत जरूरत है काम की लेकिन आप मदद नहीं करना, दीर्घ सूत्री, छोटे से काम को बहुत लंबे समय में करने वाला, बात काटने वाला, उदास, निराश, अस्वच्छ, शौचाचार रहित, निंदक, दूसरे की निंदा करने वाला, चुगलखोर, डरपोक, कायर, नकलची, तितिक्षा रहित, ऐसी ये कुछ क्वालिटीज बताई, और भी इसमें है, अब देख लीजिए कितनी अपने में इसमें। कहने का मतलब इनको निकालना है, अब पता ही नहीं होगा तो क्या निकालोगे, आपको पता ही नहीं अब क्या हमारी क्वालिटी है बैड क्वालिटी, तो क्या निकालोगे आप? ऐसे चलते चले जाओगे, झाड़ झंकार को ही आप पानी देते जाएंगे, पौधों के पास पानी नहीं पहुंचने वाला, आप जो अच्छे पौधे सात्विक गुणों को बढ़ाना चाह रहे हैं उस पर नहीं जाएगा खाद पानी, आसपास में जो लगी हुई झाड़े वो सब पानी खींच के ले जाए, इसीलिए ब्रीडिंग की जरूरत होती है हमारे अंदर, इन सबको निकालने की आवश्यकता है। तो हमको वीडिंग अधिक से अधिक करते रहे, हम लोग साधकों में अधिकतर लोग इस चीज को नहीं फॉलो करते हैं। ये दो बातों का, एक हमारे को जो पॉजिटिव गुणों को बढ़ाते जाना और नेगेटिव चीज को हटाते जाना, इन दोनों को साथ साथ करते रहना चाहिए। जैसे ही आप इन सब चीजों को साथ साथ करेंगे तो आपकी प्रोग्रेस फास्ट हो जाएगी। हम सब लोग चाहते हैं तीव्रता से आगे बढ़े। एक और एक दो बिंदु और बोल के मैं अपनी बात, एक हम लोगों को कौन सा काम ऐसा है हम जो निस्वार्थ होके करते हैं, निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं है। बच्चों से ललिता सहस्त्र नाम का पाठ गिन के नहीं कर सकती, और संकल्प लेती नहीं, संकल्प मन में लेती परोपकार, मुझे कुछ नहीं चाहिए, शर्तिया भक्ति नहीं, वो भगवान की बात छोड़ो, किसी को मदद इस पे आ जाते हैं ग्राउंड लेवल, बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करना है, कितने लोग करते हैं, कोई स्वार्थ नहीं है लेकिन हम सेवा करते रहते हैं, वो यही तो बड़ा कठिन है, वही मैं कहना चाह रहा हूँ निस्वार्थ, उससे कोई स्वार्थ नहीं, ऐसा नहीं होता है, कर सकते कई लोग करते हैं और नहीं भी, इसको सावधानी से आप ही जान सकते हैं उस बात को, दूसरा नहीं बताएगा, आपके अंतरतम जानता है इसके पीछे मैंने फल अटैच कर दिया है, कुक कर दिया है, ये कर दिया तो चलो मुझको। कई लोग कहते हैं कि हम करते हैं कि कम से कम अभी हम दान देते हो वापिस मिलेगा तो सही, उससे हमारी चित्त की शुद्धि होती चली जाएगी, इसको हमको लगातार करते रहना चाहिए। तो हम अब इस धरती में, अच्छा आप लोग विदेश कौन कौन जाना चाहते हैं, हाथ खड़े करिए,
आप लोग नहीं जाना चाहते? नहीं, फ्री टिकट मिलेगा, फ्री टिकट भी नहीं जाऊंगी। कौन और कौन जाना चाहते? आप लोग भी जाना चाहते? हाँ, घूम के आना, जाना चाहते हैं? बिल्कुल भी। अच्छा, बिल्कुल नहीं जाना चाहते? अभी आपको फ्री टिकट मिल जाएगा और टाइम भी पूरा होगा। तो लेकिन मन में तो रहते ही थोड़ा विदेश, तो मैं कहता हूँ ठीक है आप विदेश जाना है तो आपको भेज देते पाकिस्तान। नहीं 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 फाइव स्टार में भेजेंगे तो गाजा स्ट्रिप बिजनेस। तो आप ये सोचो आपका भारत में जन्म हो गया है, कभी सोचो भारत में जन्म हो, कितनी पुण्य भूमि, कितने मंदिर, कितने भगवान, कितनी पवित्रता, क्या है देश हमारा, विलक्षण है, विलक्षण है देश, ऐसा पूरे विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है भारत जैसा देश। कौन से देश में इतने भगवान, इतनी पूजा पद्धति है, इतने मतलब अकल्पनीय है अगर आप उसको थोड़ा सोचें। एक्चुअली क्या हम लोग अपने आप को कनेक्ट नहीं करते इस वातावरण के साथ जहाँ है, जो हमको उपलब्ध है। आप कभी धन्यवाद देते, मेरी दोनों आंखें हैं, हमारे हाथ हैं, मेरी उंगलियां हैं, मतलब हमको उन चीजों की वैल्यू करनी पड़े, तब जाके आप भगवान को कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है उसका, तब जाके हम उस चीजों को सही इस्तेमाल करना शुरू। लेकिन टेकन फॉर ग्रांटेड, तो भारत में जन्म हो गया है तो आपको जो सब सुविधाएं उपलब्ध हैं वो किसी कारण से है। क्यों? क्योंकि एक संस्कृति चली आ रही है। ये जो तीर्थ और ये पवित्र क्षेत्र बनाए गए ना, बहुत सारे संतों महात्माओं और सदगृहस्थों द्वारा वो ऊर्जान्वित है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसके लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं बताइए? वहां जाके और पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं? आप लोग तो नहीं करते होंगे, मैं बोल रहा हूं मैं आपको, हमारा एक एक कर्तव्य दाय है उसके प्रति, इस संस्कृति के प्रति है। तो संस्कृति के ऊपर बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपनी साधना ठीक है वो भी करनी है, लेकिन निस्वार्थ भाव से देश के लिए, समाज के लिए, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए जब आप करते चले जाएंगे आपका एक्सपेंशन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम हमेशा अपने बारे में ही सोचते थे, 24 घंटे उठते ही सुबह उठते हम कैसे लग रहे हैं, कैसे अपने अपनी तरफ इतना ओरिएंट है, लेकिन उसको बाहर की तरफ देखिए, हर चीज मैं ये खत्म तो ईश्वर से मिलाने से ही खत्म होगा। वो हर जगह आता है, वो आया था, ये तो फंडामेंटल है ना, इसी से प्रकट हुए हम लोग। मैं बोलना छोड़ दे, नहीं बोलो, मैं ईश्वर का दास हूँ। हाँ, सबसे पहले मैं हूँ, लेकिन मैं ईश्वर का दास हूँ। सबसे पहले हमको जैसे माता जी ने बताया कि नहीं उतना दूर नहीं जाना, फर्स्ट लेवल पे हमको भगवान का, मैंने कहा इस सबके प्रति हमारा एक कर्तव्य है, दाय है, उस ईश्वर ने बनाया सारी सृष्टि को, उसके प्रति हमारा दाय कर्तव्य करें, दास के रूप में पहले काम करें, हम उसके सेवक हैं, तब जाके धीरे धीरे करें, फिर उसका दोनों के बीच में रिलेशन होगा, ईश्वर के और भक्त के बीच में रिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते तो हम सबके प्रति हमारा एक कर्तव्य, उसको हम पूरा कर, आप लोग करते होंगे, आप तो ऐसी अच्छी परंपरा से, मातृशक्ति से, माता जी से जुड़े हैं, तो डेफिनेटली आप सब लोग संस्कृति के प्रति, धर्म के प्रति कितने जागरूक हैं। आजकल क्या क्या चल रहा है समाज में देख रहे हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कितना क्या चल रहा है, कल्पनाहीन है। हम सबका कर्तव्य है, हमारी बच्चियां बेटियों के प्रति कितना ज्यादा षड्यंत्र, इतना बुरा षड्यंत्र मालूम है ना आप लोगों को, हम क्या कर रहे हैं, कुछ तो कर, अपने पड़ोसियों को समझाने कुछ, मतलब ये निस्वार्थ भाव से संस्कृति के लिए करते हैं हम लोग, अपनी संस्कृति के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए हम करते हैं, वो करना प्रारंभ करना। तो यदि हम जैसे जैसे निस्वार्थ भाव से करते चले जाएंगे, संस्कृति के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, आपके चित्त की शुद्धि होती चली जाएगी, और जब आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा, भक्ति से भर जाएगा, ईश्वर की भक्ति से भर जाएगा, आपके चित्त में शुद्धि आ जाएगी, ईश्वर अपने आप प्रकट हो जाएगी। जैसे एक दर्पण है, दर्पण है वो मैला कुचैला हो चुका है, साफ नहीं है, तो उसको साफ करना पड़ेगा। हमारा चित्त भी चित्र रूपी दर्पण को हमको साफ करना, जैसे आप समझो एक पानी का एक घड़ा है, अभी हमारे अंदर बहुत सारी अशुद्धियां हैं,
और सुनिए, धीरे धीरे अशुद्धियां हटती जाएंगी तो सूर्य का प्रकाश उसमें पड़ेगा, एकदम चमक उठेगा। तो वो करना हमको, अशुद्धियों को निकालना है और अच्छी चीजों को डालना है। ये दो प्रोसेस को आप लगातार करते, धीरे धीरे करते करते, और आप एक गुरु के अंतर्गत रहते, गुरु जी जो बोलते हैं वो सुनते हैं नहीं सुनते, पहले ही बताइए आप कितना सुनते हैं, कितना अपने आप में किसी को अपने आप से पूछिए कितना सुनते हैं, अपने लिए अपने आप अंदर से अपने होते हैं, कितना सुनते कितना नहीं सुनते, ये बात सुनते तो पूरा है लेकिन अमल कितना करते हो, वही तो, अरे अमल की बात कर रहा हूँ मैं, सुनने का सुनते तो सुनाई तो बहरे थोड़ी हो, सुनते तो सभी हैं, करते कितना हो, कितने भी गंदे हो गए बच्चे, कितने भी तुम्हारे अंदर विकार हो गए, तुम माँ के पास जाओगे ना, माँ धो धा के पाउडर लगा करके चमका करके तुमको खड़ा कर देगी, माँ का प्यार है इसीलिए। लेकिन आप देखो लाड में माता जी कभी डंडे मारते ना, गुरु रूप दिखा देना, डंडा मारते ना, हाँ, तो ये दोनों को देखना इनको। बिल्कुल करना ही पड़ेगा, नहीं तो शुद्धि कैसे होगी। माता जी की हर एक बात, गुरु की हर एक बात को सुनते सुनते वो जब करते ना तब हमारी शुद्धि होती है, डंडा पड़ता है ना तब शुद्धि होती है। तो माता जी डांटती है क्रोध रहित हो जाओ, क्रोध रहित हो जाओ, नहीं माँ आप क्रोध करो, नाम रख दिया धोने वाली अम्मा। माता जी जो क्रोध करेंगी ना वो जान के, क्योंकि जैसे माँ होती है ना वो चाटा भी मारती है उसको सुधार में, तो हृदय में तो उसमें अपने उसके अंदर बहुत अच्छा श्लोक आता है दुर्गा सप्तशती, उसे बोलते हैं अंदर तो उसके एक कृपा है प्रेम है, बाहर वो निष्ठुरता है उसकी, बहुत अच्छा क्या श्लोक है, हाँ, अंदर से तो प्रेम है उसका पूरा, लेकिन क्यों, क्योंकि उसको सुधारना है, उसको ऊपर लेके जाना है। तो मातृशक्ति, माता जी आप लोग बहुत खुशकिस्मत है, ऐसी संस्कृति से जुड़े हैं, मातृशक्ति से जुड़े हैं, उनकी सारी बातों को लिखिए, क्या नहीं सुनते हम लोग लिखे करो, और रात को देखो आज क्या क्या नहीं फॉलो किया है, क्या नहीं फॉलो किया, ठीक है फॉलो ठीक है, और कितना फॉलो किया, कैसे फॉलो किया, जैसा बताया वैसा किया नहीं किया। तो प्रगति के सूत्र तो यही है कि जो गुरु हमारे हैं उनकी बातों को अच्छे से अच्छे ध्यान से सुन करके उसका अमल करना शुरू करेंगे, उतनी उतनी आपकी प्रोग्रेस होती चली जाएगी। अभी मैं इतनी बातों को बोल के अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप लोग कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, पूछ लो भैया आज मौका है। हाँ बोलिए। काम पे जीने के लिए मेरा प्रश्न सेवा से जुड़ा हुआ है, जैसे पहले मैं किसी जमाने में 2-3 साल पहले बहुत अच्छे सोशल मीडिया वॉरियर टाइप होती थी ये सनातन संस्कृति के लिए और लोगों को बहुत, लेकिन उससे क्या हुआ ना कि मेरी अपनी जो मानसिक शांति थी वो बहुत ज्यादा भंग होने लगी थी, मतलब वो जो वहाँ से ऐसी वाइब आती थी कि मेरी अपनी साधना मेरा जाप, मैं जब जाप करने बैठती तो मुझे उसने ऐसे बोला उसने ऐसे बोला उसको, तो ये मतलब जैसे जो सेक्युलर एक टर्म होता है हमारे यहाँ धर्म निरपेक्ष जो कि मतलब जैसे कोई सेंस नहीं है, तो उस तरीके के मेरे अपने दोस्त जो कि ब्राह्मण कोई ब्राह्मण परिवार से उनके वो ऐसी ऐसी बातें बोल देते थे हमारी संस्कृति के बारे में, तो मैं अंदर से मतलब इतना हिल जाती थी कि मेरे से काम भी, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे इससे अभी दूरी बनानी चाहिए, तो वो 2-3 मैंने बिल्कुल सोशल मीडिया सब छोड़ दिया, तो उससे मेरी साधना ने बहुत तीव्रता पकड़ी, लेकिन मैं वो जो सेवा के रूप में ही करती थी, निस्वार्थ भाव से करती थी, मुझे था कि मेरी जो संस्कृति है जो जिहाद इससे मुझे बचाना था भारतीय संस्कृति, मैं अपनी संस्कृति से बहुत प्रेम करती हूँ, तो मुझे लगता है शायद सेवा करने का भी एक मतलब साधक एक स्तर पर आ जाए जब उसके बाद ही शायद वो सेवा करे तो वो अपने मतलब अपने आप को बचा पाए तब सेवा करे तो शायद वो ज्यादा फलित होती है, ऐसा अभी जैसे संशय की क्या सेवा में अभी भी उस तरीके से मैं कैसे करूं मतलब उसमें जैसे आप जैसे बाहर निकल गए जैसे आप सोचो कि जिस समय कोरोना हो गया था तो कोरोना बाहर जाते थे तो हम एक कवच पहन के जाना चाहिए,
कवच कच्चा है तो आपको भेद के आपको अटैक कर देगा। तो मास्क वास्क लगा के रहते थे आप लोग, क्यों लगाते थे? टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव थिंग्स। तो वैसे ही यदि आपका कवच पक्का नहीं है तो आप सतर्क हो जाएंगे। कवच स्ट्रांग कर, अपने आप को स्ट्रांग भी करते रहना और धीरे थोड़ा करना, कितना कर सकते हो उसका बैलेंस बनाना पड़ता है। लेकिन एक तरह से अच्छा भी, तो आपको पता चलता है हमारी कहाँ कमी है, मतलब आप बहुत प्रोग्रेस कर ही बाकी है, इट टेल्स यू। तो इसीलिए लिमिट में करना चाहिए वो, लेकिन लिमिट कब बाहर निकल जाए वो आपको माइंड को हमेशा, इसीलिए भगवद गीता युक्त आहार विहार कल बोला था, ये कल युक्त आहार विहार से मेरे मन में भी आ रहा था कि मैं बोल कल कल रात को ही 2 बजे युक्त आहार विहार से युक्त करना सुचिष्ट भगवान बार बार एक ही गुरुवार है। कम नहीं, बैलेंस्ड, हर चीज में समता रखना, बैलेंस रखना, वो बैलेंस आप ही जान सकते हैं। और गोलगप्पे अच्छे लग रहे हैं तो कितने खाने गोलगप्पे हैं, अपना अपना होता है। देखिए अपना अपना होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो मोटा मोटा एक तो होता ही, कुछ कुछ तो सिमिलर होता है। कितने गोलगप्पे खाने? 10 मैगजीन। तो आप मान लो अभी स्कूल के बच्चों के पास जाते हो तो बच्चों को बोला कितने खा सकते हैं, 30 कौन खा सकता है, हाथ खड़े करते 40 50। मैंने कहा अच्छा अगर आप गोलगप्पे खाने हैं वो अच्छा है कि ना, मैं अच्छा तो नहीं खा लो ना, तो एक काम करो कि आप क्या करो, आपको 50 खा सकते हो तो आप 20 खाओ, ज़्यादा नहीं उतना छोड़ दो, क्योंकि 20 खाने के बाद भी आपको वही फीलिंग आने वाली है 50 खाने के बाद, 50 खाने के बाद पेट और ख़राब होने वाला है। तो धीरे धीरे अपने लेवल को नीचे लेके आते जाइए, 10 खा सकते हो तो 5 खाइए, 1 खाइए, धीरे धीरे करते करते। आपको मीठा बहुत पसंद है तो थोड़ा कर लीजिए, इतना सा, क्योंकि वो जो वासना है उसकी वो भी उसको भी करना पड़ेगा, सेशन करना पड़ेगा, एट द सेम टाइम उसको भी हटाना पड़ेगा, तो दोनों का बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर ये कहा कि मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी तो वो भी गड़बड़, क्योंकि मन में भरा रहेगा और एक साथ इतने खा जाएंगे गोलगप्पे की, पूछो ही। स्वामी जी बैलेंस मीठे को लेकर मेरे साथ है, मेरा कोई शुगर कम नहीं है, फैमिली में किसी को नहीं, लेकिन अगर मेरी शक्कर का लेवल कम हुआ तो भन्नाटी आ जाती है, बहुत प्रयास किया मैंने, थोड़ा थोड़ा ले लेना चाहिए, झगड़ा क्यों कर रहा हूं मैं, गुड़ पानी हमेशा हाँ। पानी का थोड़ा गुड़ ले लेके अपने आप के साथ आप बैलेंस, आपको मालूम होगा ये आपके जो सीनियर हैं जो आपको देख रहे हैं। और कोई प्रश्न? गुरु जी हम अक्सर स्वामी जी लोग हमेशा सब सलाह देते हैं आप लोग सकारात्मक रहिए, ठीक है स्वामी जी, हम सकारात्मक रहते हैं तो क्या ये सच है कि सकारात्मक चीजें ही हमसे टकराएंगी या चीजें टकराएंगी और हमारा नजरिया बदल जाएगा, चीजें नकारात्मक सकारात्मक दोनों हमारे प्रारब्ध के हिसाब से टकरा सकती है, बस हमारा नजरिया बदल जाएगा। छोटी बच्ची भगवान का रूप होती है, मैं जो छोटी बच्चियों के साथ अनर्थ होते हुए देखती हूँ सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, लेकिन उन बेचारियों के साथ आज सबसे ज्यादा क्राइम होगा पॉजिटिव होने के बाद भी। तो यही मेरा कहना है कि नजरिया बदल जाता है, आपको न्यूट्रल रखना चाहिए, क्या मैं सच हूँ या मुझे मार्गदर्शन करिए। कोई भी कार्य करना है बैलेंस में रह के करना, भगवत गीता का पूरा युद्धस्व विगता ज्वरा, युद्ध भी कर लेकिन तुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो आपको कार्य तो करना ही है लेकिन अपने बैलेंस को नहीं खोना है, नहीं तो काम कैसे चलेगा ही, तो सारे संसार में ऊपर नीचे चल रहा है, सब चीजें नेगेटिव आएंगी सामने, मेरा नजरिया मुझे बदलना पड़ेगा। देखिए ऐसा है, फल है ना, कोई भी फल आपको पता नहीं कैसा आएगा, कुछ भी आ सकता है, हमको ठीक रहना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। जितना जितना हम बैलेंस में रहेंगे कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, हमको नहीं पता, हमको तो राइट पाथ पे राइट तरीके से चलते रहना है जी। और हाँ जी गुरु जी, हम अच्छे शिष्य कैसे बन सकते हैं, मतलब जैसे हम स्कूल में जब पढ़ाई करते थे तो हम मार्क्स एक 35% आ जाए तो हम पास हो जाएंगे, 40% पास हो जाएंगे, तो हम सिर्फ वो कंप्लीट करके आगे जाने के लिए पढ़ाई कर रहे थे। साधना के मार्ग में भी अच्छा ये कर लेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, ये कर लेंगे हम नेक्स्ट स्टेप चलेंगे। हाउ टू बी अ गुड स्टूडेंट, लाइक लिसन टू द टीचर मास्टर थॉरली एंड डू व्हाटएवर ही शी सेज। गुरु जी कंसिस्टेंसी कैसे और बना सकते हैं? कंसिस्टेंसी जब यू विल हैव लव फॉर योर गोल यू विल कम जी। और काम की उत्पत्ति शारीरिक है या मानसिक? क्या किसकी? काम वासना की उत्पत्ति शारीरिक है या मानसिक? काम वासना दो तरह से, तो डिजायर्स है, डिजायर्स अपना प्रकट नहीं जाए डिजायर्स के कारण हुए, नहीं तो हम प्रकट नहीं होते, वो तो इनबिल्ट है, उसको ठीक से व्यवस्थित तरीके से उसको पूर्ति करनी है। स्थाई भाव में रहती है या नहीं? वो तो फ्लक्चुएट होते, वो प्रारब्ध के से भी आती है,
कुछ ऐसे फोर्सेस से बाहर से आता है और अंदर से भी क्रिएट होगा। तो इसीलिए का पॉजिटिव चीज़ का हमेशा सकारात्मकता में सकारात्मक ऊर्जाओं के अंदर रहोगे तो बाहर का प्रभाव भी कम होगा, अंदर से भी कम प्रकट होगी, प्रकट नहीं हुआ धीरे धीरे वॉश होती रही, जो जप है ध्यान है उसके द्वारा धीरे धीरे समाप्त, धीरे धीरे टाइम लगता है सत्संग से, और कोई प्रश्न है आपने क्या कर लिया, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है एक्चुअली, तो एक्चुअली सांस लेना है आपके हाथ में नहीं है, मैंने वो आपके द्वारा समर्पित हो गया, नहीं तो अहंकार बढ़ता जाता है। खुशी मिलती है उससे अगर खुशी जहां जहां खुशी मिल रही है पॉजिटिव चीजों से, वो अपने अंदर अंतरतम में आत्म तत्व उसी से प्रकट हो रही है, कहीं भी प्रसन्नता खुशी हो रही है वो सोर्स वही है अपना अंतरतम। पॉजिटिव चीज की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव चीज से नहीं। जैसे परिवार के लिए हम कुछ करते हैं या समाज के लिए कुछ करते हैं, हमको एक खुशी मिलती है और कुछ मटेरियल स्वार्थ नहीं है, तो वो स्वार्थ रहित है कि स्वार्थ रहित और जो प्रसन्नता वो एक्चुअली रियल प्रसन्नता है, वो ब्रह्म का स्पर्श है छोटा मोटा, क्योंकि यू हैव एक्सपैंडेड योर कॉन्शियसनेस टू सच अ लेवल दैट यू केयर फॉर अदर आल्सो, तो यू बेसिकली यू गेट कनेक्टेड टू दैट होल बिगर कॉन्शियसनेस और फ्रॉम दैट यू गेट कनेक्टेड एंड यू फील गुडनेस। इसलिए विस्तार करते, एक्सपेंशन इज लाइफ, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ, स्वामी विवेकानंद ने बोला एक्सपेंशन इज लाइफ एट ऑल लेवल्स एंड कॉन्ट्रैक्शन अपने अपने लिए सेल्फ, हाँ संकुचिता मृत्यु है और विस्तार ही जीवन है। लास्ट क्वेश्चन है सर, प्रारब्ध और पुरुषा डेस्टिनी एंड उस पर काफी बात होती है कि क्या हमारे हाथ में है और डेस्टिनी, तो उस पर कुछ जो भी इसका एक बहुत अच्छा है, भगवद गीता के 18वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि कोई भी काम कब कंप्लीट होता है, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्म च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत अच्छा भी है, तो मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ। तो आप अंदर से चम्मच ला सकते हैं, आप ला सकते हैं क्या कि चम्मच ला सकते हैं अंदर से, शांति से रखो अभी तो। अच्छा वो ग्लास वो लोटा पड़ा है ना, दिखाई दे रहा है लोटा, देखो दिख रहा है ना, वो लोटा ला सकती है आप, ये ला सकते हैं आप, बोलो तो सही सब लोग, पक्का 100% हाथ खड़े करो सब लोग, कौन कौन हाँ बोलता है, ठीक है आप जाइए लेने के लिए, क्या आइए जाइए इधर आओ इधर आओ, सुनो सुनो कहाँ जा रही हो, बैठो 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 यहाँ पर, नहीं जा सकते नहीं जा सकते, तो क्या है इस ये भगवद गीता का श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको समझना चाहिए। अधिष्ठान मतलब व्यक्ति है, कर्ता मतलब यू वांट टू डू, अधिष्ठान तथा कर्ता, कर्ण मतलब आपके हाथ पांव सब था, विविधाश्च आपके अंदर एनर्जी भी थी, कर हो सकता था आप लोगों ने नहीं सोचा ना, दैवम चैवात्र पंचम उसको कहते हैं प्रारब्ध, मतलब हमको नहीं पता था, हम तो उसको कर सकते हैं क्या जाने चलाना है। तो फिफ्थ फैक्टर इट इज ऑलवेज वर्किंग, फिफ्थ फैक्टर जो है हमेशा कार्यरत रहता है, हम लोगों को दिखता नहीं है, तो ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण हमारा जो प्रारब्ध होता है, अगर हो सकता था माता जी बोलते जल्दी भाग के जाओ लेके आओ, ला सकते फास्ट, या हो सकता था रुक जाओ, तो क्या है पॉइंट इज दिस कि कोई काम कंप्लीट तब होता है जब ये सब चीजें मिलती हैं, इनमें से पांचों चीजें मिलेंगी तभी कार्य संपन्न होगा। तो ये जो फैक्टर है प्रारब्ध का फैक्टर है जिसको हम कहते हैं फेट बोलते हैं लक बोलते हैं, तो वो फैक्टर है वो हमेशा काम कर रहा होता है, लेकिन हमको पता नहीं है, बड़ा विचित्र है, आपको किसको पता था क्या, सोच ही नहीं सकते थे। एक आदमी होता है वो जाता फ्लाइट पे, उसका अगले दिन बिजनेस डील थी बहुत बड़ी, बिजनेस डील के लिए जाता है और वो कुछ गलती से सोता रह जाता, मिस हो जाती फ्लाइट, फ्लाइट मिस हो गई, अगले दिन उसका एक बड़ी डील थी, वो नुकसान हो गया, उसको नुकसान होने वाला था, वो नहीं जा पाता, बहुत रोता रहता है, ये अच्छा हुआ खराब हुआ, अच्छा हुआ क्या, क्यों अच्छा हुआ, नुकसान हो रहा है उसको, नुकसान होने को रोएगा, थोड़ी देर में इंफॉर्मेशन दे, वो फ्लाइट था ना थोड़ा
लंदन में गया, क्लास टाइम नहीं हुई, वहाँ के सारे लोगों को चोट लगी। अब क्या हुआ? फायदा हुआ, बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हमको कभी नहीं पता, हमको कर्म पे ध्यान दे, कर्मणे एव अधिकारस्ते मा फलेश, फल अपूर्ण कभी पता नहीं है। तो क्या है, हमको हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, दैट इज अ पॉइंट। तो फल तो अपन को कभी पता नहीं, तो प्रारब्ध की चिंता छोड़ दीजिए कि हाँ अपने कर्म को सही सात्विकता से हमको संपन्न करते रहना है, वो पता नहीं चलता है, भगवान ने छुपा लिया है, वरना तो भगवान को मानते ही नहीं हम, भगवान को कहाँ साइड में रख देते हैं। दैट इज ओनली फ्री विल, एंड दैट इज नहीं, फ्री विल इज एवरी सेकंड यू हैव अ फ्री विल, फ्री विल करूं या नहीं करूं, जैसे ये जा सकती है नहीं जा सकती, कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो फ्री विल तो एक्ट कर रही है। लेकिन आपको पता है, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने बहुत अच्छा बताया था कि गाय होती है उसको रस्सी से बांध दिया जाए, रस्सी से, तो जितने लेवल तक घास खानी वही खा सकती, उससे ज़्यादा नहीं खा सकती, उसकी फ्री विल। आप कुछ भी थोड़ी कर सकते हो, आप उड़ थोड़ी सकते हो, उसकी एक लिमिटेशन होती है, हर एक की अलग अलग होती है। एक लेवल तक हम बंधे हुए, एक लेवल तक फ्री है, वी आर नॉट टोटली फ्री, वी आर नॉट टोटली बाउंड, थोड़ा एक लेवल रहता है। जो स्वामी जी ने बताया ना, अपने जो आसुरी वृत्ति बताई ना, तो एक सिचुएशन आपके लाइफ में आ गया प्रारब्ध की वजह से, तो उस सिचुएशन में आप आसुरी डिसीजन लेते हो कि आप दैवी डिसीजन लेते हो, दैट इज योर फ्री विल, समझे ना। आप सत्य के आचरण पर चल करके भी उसके साथ डील कर सकते हो, और आप असत्य के साथ आचरण पर भी चल करके डील कर सकते हो, तो वो फ्री विल है कि आप सत्य पे चले या असत्य पे चले। आप इस समय सत्य का सहारा लेकर के चले ना, कितना भी कठिन हो तो आपका आगे का फ्यूचर एकदम परफेक्ट हो गया, लेकिन प्रारब्ध की वजह से घटना एकदम बड़ी कठिन है, तो आपने सोचा आज तो इजी वे आउट है, सत्य का आचरण कर लेते हैं, बना दिया आपने प्रॉपर से फ्यूचर विच इज़ वेरी लॉन्ग। तो वो आसुरी वृत्ति में सिखाई ना, उसमें बहुत ध्यान दिया, हर पल फ्री विल, इंसान को सबको फ्री विल दिया गया है, पांच चीज़ों में नहीं दी गई दी जाती है कि आपका जन्म निर्धारित हो जाता है, उसमें आपको फ्री विल, जब तक आप मुक्तात्मा नहीं होते नहीं होता, तब तक आपको जन्म लेना, आपकी आयु कितनी होगी, कितनी सांसें हैं वो दी गई, आपका किसके साथ कार्मिक एक्सचेंजेस है, इसमें फ्री विल नहीं है। जो पति बनना है वो पति बनेगा, जो पति बनेगी पति बनेगी बनेगी, जो बच्चा बनना है बच्चा बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। आपका नौकरी कहाँ होगा, धन कितना आएगा, ये सब चीज़ ना एक फ्रेमवर्क बना करके आपको भेजा जाता है, प्रारब्ध इसको ही कहते हैं। उस फ्रेमवर्क में आप चाहो तो अपने आप को सत्य के आचरण पे, गीता की दैवी जो संप्रदाय उसको बढ़ाते 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 आप एकदम मुक्त हो सकते हो उस पूरे चीज से। आप में दैवी गुण आ गए, अरे हम लोग तो मृत्यु के ऊपर भी विजय पा सकते हैं। माता बाबा जी की जाके सुनो ऑटोबायोग्राफी, देवरा बाबा के बारे में आप जानते हैं, ऐसे ऐसे संत आज भी हिमालय में हैं जिन्होंने मृत्यु पर विजय पा ली है ना। हम मृत्यु पर विजय पाना है जब हम जाएंगे इच्छा मृत्यु, शरीर को योग से धारण किया इतने जाना चल जाएंगे, समझ में ना। मैन इज अ वेरी डिवाइन बींग, हम देवी ललिता के बच्चे हैं, समझ रहे एक बात, ये वेरी डिवाइन। भगवान बोलते हैं ना गीता में, तुम सर मेरे वंश हो, तो इस बात को हमेशा याद रखना, हमें वंश हो जीव लोग के जीव भूत सनातन, इस बात को हमेशा याद रखना। तो तुम दैवी हो, लेकिन जितना तुम असत्य का आचरण अपने जीवन में लाओगे तो तुम वीक होते जाओगे, फिर यही रोते रहोगे जिंदगी भर, मेरा प्रारब्ध मेरा प्रारब्ध, अरे क्या प्रारब्ध, काट के फेंको इसको, सब दिया आचरण करने को, समझ में आया। तो ऐसे चलो, तो अभी वो जो बात थी ना, व्हाटएवर यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर इट डिपेंड्स ऑन नाउ, Now what you do, अभी क्या करते हैं वो आपका फ्यूचर बनाता जा रहा है, चेंज करता जा रहा है। इसलिए अभी कैसे एक्ट करना है, सत्यता से जैसे सात्विकता से एक्ट करना है और करना है। और कोई प्रश्न? हाँ स्वामी जी, मेरे मन में एक सवाल था कि हमें अपना जो जीवन है वो प्रारब्ध के जो हमने किया है पूर्व जन्म में उसके हिसाब से भुगतना पड़ता है, मन अस्थिर हो जाता है जो भी हमारे साथ होता है, भगवान ने ऐसा क्यों किया? फल तो पिछले जन्म के भुगता रहे, वो चीज़ याद क्यों नहीं रखते ताकि हम आराम से, अच्छा हमने किया था ना, आहा। तो इसीलिए आपको सबसे पहले बताया, आप तो हम लोग बहुत खुशकिस्मत है इसलिए भारतीय संस्कृति में कर्म की, इसलिए मैं स्टार्ट किया था, कर्म के सिद्धांत पे आपको अटल विश्वास होना चाहिए। अगर आपको समझ में आ गया मेरा ही खराब किया हुआ कर्म मेरे पास आ रहा है, तो आपको यू वोंट फाइट, आप उसको अच्छे से अब ठीक कर रहे हैं, मेरे अंदर जो भी दुख आ रहा है कोई हमने पाप किया उसका, सुख आ रहा है तब तो। हमारे पास एक व्यक्ति थे, वो क्या थे पता जी, वो US के थे और वो क्या उनके बहुत बड़ा काम था कोरोना टाइम, उनके अच्छे पार्टनर थे, वो एक्सपायर हो गए वो, और कम उम्र के थे। तो कहते स्वामी जी वो क्यों एक्सपायर, अभी तो टाइम आया था, क्यों एक्सपायर हो गया, अभी तो टाइम आया था, अभी तो मेहनत किया उसके बाद। मैंने उनको काफ़ी मतलब समझ में आया, एक दिन मेरे को आया बात, मैंने कहा देखो जब आपको सुख मिलता है तब तक कोई प्रश्न नहीं पूछते भगवान से,
जब दुख आते तो क्यों हो गया, अरे भाई जब सुख आते तो पूछा जा गया, तब नहीं पूछेंगे, तब तो मलाई खाते चले जाएंगे। जिस समय थोड़ा ही दुख आया, अरे क्यों हो गया, अरे भाई वो जैसे दुख आया सुख आया था वैसे ही दुख आया है। तो हमको मैंने इसलिए बोला, अगर आपने कारण के सिद्धांत को ढंग से समझ गया तो आपको सारी प्रॉब्लम काफी 80% आपके प्रॉब्लम खत्म हुए। क्योंकि मेरा ही किया, अब मैं अच्छा करूंगा अच्छा करूंगी तो अपने आप ठीक होता जाएगा। याद नहीं रहती याद क्यों नहीं रखा था, देख तूने ये किया था इसलिए तेरी जन्म में टांग उड़ा देते। मेरे पिताजी मैंने भी यही प्रश्न पूछा था बचपन में, पापा याद दिला देना चाहिए ना। तो बोले पापा ये ना जैसे भाई बहन है बचपन में तो बड़ा खेल रहे दूसरे का बड़ा प्रेम है, और याद दिला दिया भगवान ने कि ये तेरा पिछले जन्म का दुश्मन है, तेरी माँ ही तेरे पिछले जन्म की दुश्मन है, आज तो बड़े गले लगा रहे माँ को। तुम यहाँ बैठे हो सभा में और सब लोग पहले पहले लग रहे हैं, अब हम भी यहाँ पर बैठे हैं भले इस कुर्सी पर, लेकिन पिछले कई जन्मों में कुछ किया था हमने गलत, इंसान के रूप में आ गए और तुमको दिखाई देने लग गया, याद आ गया, तो क्या होगी दशा बताओ। और सब लोग याद करने लग गए, ये मेरा दुश्मन, ये मेरा दुश्मन, ये मेरा दुश्मन, फिर रहेगा कहीं पीस, दोबारा गलत कर्म करेंगे, रहेगा पीस, नष्ट हो जाएगा ना। भगवान ने तो कितना अच्छा किया, दिन भर हम क्या क्या खोटे कर्म करते हैं, और भगवान रात को बोलते हैं सो जा बच्चे भूल जा। कितनी भगवान की कृपा है, समझ में ना, भुला देना बहुत बड़ी कृपा है। फिर ये भी क्यों मतलब कि जैसे यहाँ पर आया, मैंने बताया ना कि काफी सारे लोग एकदम फैमिलियर लगते हैं, जैसे रमन जी से मिला तो मैंने उनसे पूछा क्या मैं आपसे बहुत बार मिल चुका हूँ क्या, या फिर बहुत सारे लोग हैं तो उनसे मिलने पे ऐसा लगता है कि भाई बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ, और ऑब्वियसली विद इन अ स्पैन ऑफ 3-4 मिनट्स वी आर टॉकिंग आवर स्टफ, वी आर एक्सचेंजिंग एक्सपीरियंसेस व्हिच आई वुडंट एक्सचेंज विद एनी अदर स्ट्रेंजर्स। तो फिर ये भी क्यों ये भी क्यों दिया, ये भी ना देना पूरा जीरो का। एक बात बता देती हूं, हमारा स्वरूप है प्रेम का स्वरूप, आनंद का स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, समझा ना। हम दिन रात जो क्रोध की अवस्था में होते हैं या हम दुख की अवस्था में होते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों, वो अननेचुरल अवस्था है, ठीक है ना। तो जीवन के जितना भी जो भी चीज हो रही है, दैट इज पुशिंग यू टुवर्ड्स योर रियल सेल्फ, सच्चिदानंद आनंद आपका खोना नहीं चाहिए। जब आपको किसी का अच्छा फील होता है ना, वो आनंद याद दिलाने के लिए, लेकिन आपको बुरा नहीं दिलाना, प्रकृति का ये काम नहीं है, मदर नेचर का काम है, आपको हमेशा यही करना, मदर का ही काम है। तो आप दिन रात बुरे में हो, मेरे साथ क्यों हो गया, प्रारब्ध है, दुख है, तो मदर का ही काम नहीं है, मदर आपको बुलाना चाहती है, भूल जा बच्चे, तो आनंद स्वरूप है, तो आनंद स्वरूप है, तो आनंद स्वरूप है। इसलिए जब कभी ऐसा होता है इसके प्रेम प्रेम याद दिलाएंगे, आनंद याद दिलाएंगे, बुरी बातें बुलवा दे बुलवा देने का प्रयास होता है, और अगर आपके जीवन में बुरा हो रहा है तो आपको स्ट्रांग बनाने का प्रयास होता है। And free will are connected in some and somehow and somehow they are connected because See, Bhagavad Gita is a very good answer to these all questions. It says Gahana Karmano Gati. See, why do you want to delve or deal or explore this all? Why? What is the reason? You do your work finally, have faith in God, faith in yourself, and move on. Why you want to do what this, this? Why we have to explore so much? What is the reason? What is the reason? It is actually, it's become our nature to cure. Sometime, everything is not revealed. This is God's nature. He doesn't reveal everything. He always hides many things. Many things are hidden. You don't know. So that's why Bhagavad Gita says, Gahana, because if you go on, iske karan wo hua, this will be because of that, that because of that. There is an endless, it is an endless combination of permutations which has caused the thing to happen. So, have faith in God, have faith in Guruji, and finish. Because there is no end to it. You go on dealing, ye ho gaya, wo ho gaya, kya? Kitna? Kitne? How many lives we have lived? How many lives? You don't know. तो किस किस का ध्यान रखोगे आप, मैंने वो था अब सब याद है तो पागल हो जाओगे। अभी इसी जन्म के सारे मान लो आपने गलती जो कि अब याद आ जाए दिमाग में तो पागल ही हो जाओगे, सोच ही नहीं पाओगे कुछ। तो माता जी जैसे बता रही थी दादा दिस अ वेरी बिग बिग बून दैट ही फॉरगेट, सो नींद नहीं आएगी वरना ओवर थिंकिंग जब नींद नहीं आती ना तो क्यों वो भूलने नहीं दे रही है। तो भुलाने की शक्ति भी उसकी द पावर टू veil
एंड टू अनवेल ऑल्सो बोध शक्ति. आवरण की शक्ति होती है, विक्षेप की शक्ति होती है, तो भगवती की है. अगर वो चीज नहीं भूलती तो हम पागल हो जाते हैं, लेकिन वो जो कर्म हम भुगतते हैं वो भी हमें इतना बेचैन कर देते हैं, वो भी तो हमें दिन रात बेचैन करता है, नींद उड़ जाती है रातों की, तो वो अकेला एक तरफा भुगतना है ना, बड़ा बेचैन करता है. उसमें आपने एक्सेप्ट नहीं किया उसको. फर्स्ट थिंग यू हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ, मेरे कर्म ही मुझे मिलेंगे. पहली बात आप ये मानो तो सही, आपने कर्म के सिद्धांत को फॉलो नहीं किया. मैं शुरू से बोल रहा हूँ, आपने जब किया मेरे ही कर्म का फल मुझे मिला है. जैसे मान लो अभी आपने लाल साड़ी पहनी है, मान लो, और क्या जिसने मतलब जिसने लाल साड़ी पहनी है मान लो उदाहरण के लिए, और उनकी साड़ी में अपने आग लग जाती है मान लो, आप कहेंगे अरे मेरी लाल साड़ी क्यों, अरे भाई आपको नहीं पता था, आप इतना ही आपने अच्छे से अच्छा किया, लेकिन कुछ हो जाता है तो हो जाता है. आप एक्सेप्ट करो कि आपने ही कर्म किया, आपने ही साड़ी पहनी थी, चूज की थी, ढूंढ के लाए थे और किया था. तो ऐसे ही आपका प्रारब्ध ने आपने ऐसे कर्म किए थे जिसके कारण आपके अंदर दुख आ रहा है. उसको ज्यादा अन्वेषण करने के बजाय हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, हम जा सकते हैं, उस पर हमको चिंतन करना है. इसीलिए श्रद्धा इसी बोला ईश्वर गुरु और शास्त्रीय आत्यंतिक आस्तिक्य बुद्धि, उसको श्रद्धा. तो श्रद्धा नहीं है मतलब, शास्त्र बोलते जैसे कर्म के वही फल मिलेंगे, दूसरे का नहीं. इनके किए हुए कर्म का फल आपको नहीं मिलने वाला है, आपने ही किया हुआ है. तो आप जब आप इसमें एस्टैब्लिश हो गए देन यू आर कंफर्टेबल. ओहो कोई बात नहीं, मैंने किया ना, कोई बात नहीं, आई विल वर्क मोर, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ मोर, किसी ने और ने नहीं किया है, तो यू आर रिलीव्ड, यू वोंट फाइट कि क्यों ऐसा नहीं करें. नीम का बीज तुमने यहाँ खेती करने को दे दिया तुमको, और नीम के पेड़ लगाए हो तो फल क्या आने वाला है, नीम का ही है ना. हाँ अब दूसरा बोल रहा है मैं तो आम खा रहा हूँ, तो तुम बोलेगा मैं तो नीम खा रही हूँ, तो बोया तो तुमने ही था ना, तो तुमको आम खाने की इच्छा है ना, तो अगली बार बोलोगे मैं नीम निकाल रही हूँ, आम का बीज लूँगी. तो सत्कर्मों का बीज, सद्विचारों का बीज, ठीक है ना, जब बोगी तो सत्कर्म करोगी तो सत के फल खाओगी. आपने कल जो बताया था प्रेम जिसको करने के लिए, सॉरी एक मिनट उसको भी प्रश्न है. हाँ बोलिए. जैसे आपने कहा हमेशा कि मतलब हमने एक्सेप्ट कैसे होते हैं कर्मास को लेके, कि कुछ नेगेटिव हो रहा था हम सोचते मतलब हमने एक्सेप्ट ही करते कि ये हमने दिया, लेकिन इनके साथ में कर दिया एंड अनफॉर्चुनेटली इट हैज प्रोजेक्टेड इन अ वे कि आप सेल्फ हेटर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज यू नो कि यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, तो आप ये सब मुझे सब बोलिए वातावरण को बदल दीजिए, वातावरण को बदलो, मतलब इनर एंड आउटर दोनों को, इनर एनवायरनमेंट एंड आउटर एनवायरनमेंट को चेंज कर दीजिए. इनर एनवायरनमेंट भी चेंज, रीडिंग गुड बुक्स, सत्संग करना, अच्छी जगह ऐसी नर्मदा मैया के पास आ जाइए, वहाँ शांति से उनका करिए, तो धीरे धीरे करते करते वो काम हो जाएगा. लेकिन उसके लिए बहुत प्रयास लगातार करते रहना पड़ेगा. यू हैव टू बी वेरी अवेयर, नेगेटिव लोगों के साथ मत जाओ, नेगेटिव लोगों से बातें मत करो, मोबाइल मत चलाओ, मोबाइल में सारी नेगेटिव चीज़ें आती हैं, मोबाइल कितना चलाते हैं. खैर हो गया उत्तर मिल गया. मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, ऐसा होता है जब व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड. वो आप ये सोचो कि वो आपके कर्म का फल आपको मिल रहा है आपको, और ऊपर अभी कल एक बच्ची का फोन आया था मेरे पास कि मेरे स्वामी जी में बहुत गुस्सा आ जाता है. देखो गुस्सा आया तो मतलब आपको पता चल गया मेरे अंदर गुस्सा आने की नेगेटिविटी है, तो यू शुड बी हैप्पी. ओहो चलो मेरे को पता चल गया इस चीज से गुस्सा आया, नाउ आई हैव टू रिमूव दैट. तो हम लोगों को अपनी शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा. अब हाथी है, हाथी चल रहा है, कुत्ता भौंकता रहता है, उसको फर्क पड़ता है. तो आपको अपने स्ट्रेचर को बड़ा करना पड़ेगा, अपने व्यक्तित्व को बड़ा करना पड़ेगा, उसको माफ करना पड़ेगा. लोगों का हम माफ नहीं करते. एक्चुअली माफ करना क्या होता है मालूम है आपको, व्हेन यू
किसी को जब आप माफ कर देते हैं आप अपने आप को माफ करते हैं, दूसरे को नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को आपसे नाराजगी हो गई, अब मैं नाराजगी पाल के रखता हूँ, उसने ऐसा किया ऐसा किया, तो मैं पाल रहा हूँ वो नहीं मैं, और जब मैं कोई बात नहीं हो गया चलो, तो मैंने अपने आप को फ्री कर दिया। तो जैसे जैसे हम अपने आप को माफ दूसरे को माफ करते हैं, अपने आप को फ्री करते जा रहे हैं, आपका एक्सपेंशन होता जा रहा है, तो आप माफ कर दीजिए उनको। लेकिन हाँ कई चीज़ें हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। अब फॉर एग्जाम्पल आपने कहा भाई कि मान लो हमारे आपके हम किसी व्यक्ति के अंदर ही किसी का कान मान लो टेढ़ा, तो आप देखते रहिए मेरा टेढ़ा क्यों है, अरे भाई है तो है। हम एक एक्सेप्ट करना शुरू, जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे ना आपके अंदर ताकत बढ़ेगी और वो चेंज होना शुरू हो जाएगा सामने वाला। आपकी ताकत पेशेंस चाहिए उसमें, समटाइम इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, समटाइम इट टेक्स अ शॉर्ट टाइम। आपके अंदर पेशेंस वो धीरे धीरे व्यक्ति को बदल देगी यदि आपके अंदर ताकत अधिक है। तो ताकत को शक्ति का जागरण ही उसका उपाय है, और कोई और तरीके लगाते जाए जितना आप सोच सकते हैं। मतलब कि अगर हमारे घर में कुछ भी नेगेटिविटी रह रही है या कोई भी नेगेटिव पर्सन रह रहा है, तो हम ये सोचे कि ये हमारे कर्मास्थ इसके कारण हो रहा है, तो इसे एक्सेप्ट करके इसको एक्सेप्ट, फिर आगे क्योंकि क्या होगा अगर एक्सेप्ट नहीं किया आपने तो आप झगड़ते रहोगे, अरे क्यों है ऐसा है ऐसा है, आपने कोई बात नहीं, जैसे हमारी कोई शॉर्ट कमिंग है तो हम कहते हो कोई बात नहीं मेरा कान ऐसा है, नाउ वी विल ट्राई टू इम्प्रूव। नहीं तो क्या उसी को एक्सेप्ट नहीं करके हम आगे नहीं बढ़ पाते, उसी में पूरी एनर्जी को खर्च कर देते हैं, पॉजिटिव चीज में डालने की एनर्जी नहीं बचती है क्योंकि उसी के ऊपर बार बार सोचते वही वही ऐसा 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 करके। नहीं हमको उसका निवारण करना, उसको और अच्छा उसी को बता, कोई ऐसा बहुत करता है धीरे धीरे करके उसको अच्छा साहित्य पढ़ाओ, माता जी के पास लेके आओ, ऐसे अलग उसके जो वीक पॉइंट्स उसको पकड़ करके उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। वो किसी न किसी को पसंद करता है वही चीज़ उसको दे दो। पहले तो सबसे पहले मित्रता होती है, सबसे पहले मित्रता, दुश्मनी से कभी नहीं होने वाला, सबसे पहले प्रेम करना पड़ता है किसी चीज़ को, तब जाके वो आगे बढ़ेगी चीज़। आप उसको एक्सेप्ट करो, उनके इंटरेस्ट का धीरे धीरे करके धीरे धीरे, और मातृशक्ति के अंदर बहुत टेक्निक्स होती है। लेकिन वो जो पर्सन होगा जो ज्यादा नेगेटिव है, अगर हमने उसे माफ भी कर दिया लेकिन वो बाद में उसे पता चल गया कि अभी कुछ बोल नहीं रही है कुछ कर नहीं रही, तो घूम फिर के हमारे खिलाफ ही फिर षड्यंत्र रचने लग जाती है। नहीं तो आप ऐसा कौन सा आपको गला काट रहे हैं, इसी ये तो एक्चुअली ना ये आपके ये भट्टी में पक रहे तो आप सुधर रहे। अभी मैं परिक्रमा में गया था लास्ट ईयर, तो मेरे को बड़ा अच्छा कि पत्थर होता ना पत्थर पत्थर तो वो लुढ़कता रहता है ना, तो बहुत अच्छी कहावत उसमें बोली है कि लुढ़कते लुढ़कते ठोकर खाते खाते ठाकुर बन गए। तो ये हमारा आप ही सोचो जो आ रहा है ना आपका ही कर्म आ रहा है, चिंता मत करो उसको कैसे एंजॉय, तो आप इससे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे। ये मेरी क्या कह रहा है चिजलिंग हो रही है नेगेटिव चीजें निकालने के प्रयास, यही लेना पड़ेगा और उपाय नहीं है। व्हाट कैन नॉट बी क्योर मस्ट बी हैप्पीली एंड्योर्ड, इसका क्या होता है उनकी नेगेटिविटी से उन्होंने जो किया है हमारे खिलाफ वो सब सही करते करते साधना छूट जाती है, तो अभी उस पर पूरा दिमाग लगाना पड़ता है, अभी इसने ये किया अभी मुझे ये करना पड़ेगा तो ये ऐसा होगा, इसने मेरे सास को ऐसा बोला ना अभी मुझे ये करना पड़ेगा, तो इतना होगा वो आ क्या धीरे उसमें ऐसा है। साधना देखिए साधना अपनी तो साधना टाइम पे करते रहना है, लेकिन ऑटोमेटिकली जैसे ही आपकी शक्ति बढ़ेगी ना तो धीरे धीरे उसका भी प्रभाव कम होगा। आप बिना बिना प्रतिहत समता में रह करके उसे रिएक्ट कीजिए। कभी तुमको गाने सिखाई थी ना क्लास में कई बार पुकारने वाली है ना यार पुकारने गाने कारण मैंने आपको सिखाया, अरे बाबा डस मत किसी को दो इन पुकार मैं तो सबको पोछ डालेंगे सब लोग, पुकारना सीखो और अपना बॉर्डर बनाओ, उनको लगना चाहिए शक्ति नारी शक्ति बाकी सब सहन शक्ति। स्वामी जी कई बार तो ऐसी स्थिति होती है जैसे प्लेट रखी तो ऐसे प्लेट रखते हैं एक शब्द है किसी को मिस्टेक निकालनी हो किसी नेगेटिव व्यक्ति को जो अपने हमारे साथ जुड़ा है उसको जैसे प्लेट रखो प्लेट रख, अच्छा ऐसे प्लेट रखते वहाँ कप रख दो कप, उसको हर चीज में निकालने का अनुख ऐसी भी कई बार आदमी ऐसे व्यक्ति के साथ भी जीता है तो आप इससे कैसे जिएंगे बताओ। तो वही तो मुझे समझ में नहीं आती इन ऐसों से कैसे जीतूं।
जीतना अपने आप को, उसको नहीं जीतना है। कान में ना, उसके हमने भजन गाना शुरू कर दो छोटे छोटे से। तुम तो एक ही काम करो, बोले भजन गाना शुरू कर दो बस। वो जब कोई ऐसा बोले ना, प्लेट ऐसा कट पड़ा, तुम भजन गाना शुरू कर दो। दो तीन तीन दिन करो, चौथे दिन तुमको कुछ बोलेगा ही नहीं। वो क्या, उसके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। वो बेचारा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसको भी सोच रहा है, उसको भी हमको क्लियर करना पड़ता है कि वो बेचारा ऐसा क्यों कर रहा है, उसके लिए क्या कारण। तो उसको भी धीरे धीरे, मैंने कहा ना, सावधानी से प्रेम पूर्वक को सही लाइन में लाने का प्रयास करना, सही तरीके से। उससे झगड़ा करने से नहीं होने वाला। आप तो हमेशा तो कन्फ्रंटेशन बोलते रहेंगे हमेशा। हाँ बन, मतलब मुझे मेरा अनुभव बताना है। एक क्वेश्चन बताया ना पूरा। हाँ। इस तरह से हर किसी ने बताया, हर लेडीज का ये प्रॉब्लम है कि घर में रहना है तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। बट जैसे बोला कि साधना में दिक्कत होती है ना, तो मैं क्या करती हूँ, मतलब बहुत सुना है, माँ से भी सुना है, बहुत चीजें सुनी है। और आजकल तो ऐसा होता है कि डिस्टर्ब होता है माइंड, तो हम भगवद गीता चला देते हैं, सिर्फ बुरा रहस्य चला देते हैं, तो बहुत सी चीज़ों से पता चलता है। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह में बैठ जाती हूँ, ठीक है, या रात्रि में, और दिन भर में, अच्छा आज किसके साथ में लड़ाई हो गई है, ठीक है, अगर बेटी के साथ में हुई है, पति के साथ में हुई है, तो मैं बैठती हूँ, नहीं याद करती हूँ, अच्छा जी ठीक है, जो भी था मैंने उल्टा बोल दिया, आपने बोल दिया, पर मेरे मन में मैंने कुछ नहीं रखा, पूरी तरह से वहाँ पे उनको क्लियर आउट करती हूँ। फिर उसके बाद का मेरा जो अनुभव होता है ना, कि उनसे ईर्ष्या नहीं होती है। जब उनके पास में जाती हूँ ना, तो ऐसे लगता है हाँ ठीक है, मेरी भी तो गलती थी, मेरे कर्म है ना। जब माँ ने कर्म का सिद्धांत बहुत अच्छे से बताया, स्थित प्रज्ञता के बारे में बहुत अच्छे से माँ ने गीता में बताया। मैंने आपको बताऊं स्वामी जी, कि हमने माँ के क्लासेस, मैंने ज्यादा तो नहीं गीता का शुरू किया है, बस मेरे 2 अध्याय फिनिश्ड हुए, और उसमें माँ ने ना एक, अगर एक वाक्य ले लिया है ना, तो उसके ऊपर एक एक क्लास कर दी है, एक एक वाक्य पे एक एक क्लास कर दी। तो उसमें भी क्षमा भी बताई हुई है कि पहली बात तो मान क्यों रहे हो कि ये तुम कर रहे हो, तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो साक्षी भाव में रहना है, ये सिखाया। तो फिर ये सब चीजें ना, जब हम साधना में लाते हैं कि साधना ठीक है, मंत्र जप वगैरह है वो बहुत ऊंची है, लेकिन ये छोटी सी, बहुत छोटी नॉर्मल है, और उसको पकड़ लेंगे तो खुद पे ध्यान जाता है कि अच्छा आज दिन भर में मेरे वाक्य कैसे थे, किसके प्रति, पहले मैं ये देखू, अगर उसने वैसे मेरे साथ में किया तो कुछ ना कुछ मेरा भी है, उनको भी खलता हूँ, तो पहले मेरे भी है, उसे देखू। तो क्षमा करो ना, तो बस मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मैं फ्री हो जाती हूँ अंदर से, मुझे पता नहीं उनको क्या लग रहा है, बट मैं चीलू, मैं एकदम रिलैक्स्ड हो जाती हूँ कि अच्छा चलो, मुझे बच्चे के साथ भी अच्छा रहना है, पति के साथ भी अच्छा रहना है, अच्छा बोल दिया ना, तो मैं मुंह से बोलती हूँ, और फिर मेरे स्वामी के आगे, माँ के आगे आती हूँ, तो मैंने डांट दिया, तो आपसे सॉरी बोल रही हूँ, सामने सॉरी नहीं बोलने वाली हूँ मैं, पर मैंने पीछे से सॉरी बोल दिया। तो मैंने कैसे, मन क्लीन हो जाता है, आनंद होता है, ये माफ करने का यही फायदा है, आप फ्री हो जाते हैं। आपने जैसे बताया कि प्रारब्ध से कुछ चीजें तय होती है, तो हमारा अध्यात्म के मार्ग पे जाना भी प्रारब्ध से तय होता है, तो इतना टाइम क्यों, मतलब टाइम तय होता है कि हम किस एज में जाके, कैसे जाने ईश्वर प्रसन्न है कि नहीं है, आप पहले खुद देखिए कि मैं सही तरह से जी रहा हूँ या नहीं जी रही हूँ, उसके नियमों के अनुसार जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, उसके अनुसार हम जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, ईश्वर के अनुसार कैसे जिएंगे, भगवत गीता के अनुसार जी, मतलब ईश्वर के अनुसार जी रहे हो, यदि आप उसके अनुसार जी रहे हैं तो ईश्वर के नियम के अनुसार जी रहे हैं, तो एक ये देखिए। फिर यदि आप ऐसे जी रहे हैं, प्रसन्नता आ रही है, तो इसका अर्थ है ईश्वर अवश्य प्रसन्न हो रहा है, क्योंकि जब भी आप उसकी बातों को मानते हैं, उसके नियम के अनुसार चलते हैं, तो प्रसन्न होता है, तो प्रसन्नता उसका द्योतक है कि ईश्वर प्रसन्न हो रहा है। सबसे पहले अपनी तरफ देखो, फिर बाहर की तरफ देखते हैं, आपको पता चल जाए, क्योंकि वो यंत्रा रूढ़ानी माया, हर एक के हृदय में बैठ करके बैठा, हर एक के हृदय में बैठे भगवान, अहम आत्मा गुणा केश सर्वभूताशय, हरेक के अंदर में बैठा हुआ है वो ईश्वर, वो सबको कंट्रोल कर रहा है, देख रहा, तो बता देता है आपको, तो इस तरह से आपको पता चल जाता है। लेकिन ऐसा वो तो हमेशा बोल रहा है, हमेशा। और कोई प्रश्न है? जैसे कोई गलत करता है,
वो चीज को हम बार बार बोलने के बाद भी वो समझ में नहीं आता, तो बोलना चाहिए उसको, समझाना चाहिए नहीं? वो समझ जाना चाहिए वैसे ही बोल करता है। नहीं ऐसा है, दिक्कत डिफिकल्ट होता है भाई, आपको अपनी शक्ति को आपको तरीके अलग अलग लगाने पड़ेंगे, आपको प्रेम से, लेकिन सबसे पहले उसके प्रति, अगर आप द्वेष भाव से भर जाएंगे तो कभी सुधार नहीं सकते। माताएं शायद पति देव की तरफ ज्यादा बोलती है, बच्चों की तरफ तो सुधरता नहीं। देखिए कई चीजें होती है जो अपन जो माता जी बोले, जैसे ही हमारे गुरु जी इसका उदाहरण देते हैं, जैसे ही बच्चा माँ की पेट में आता है, एक पोटली ले आता है, पोटली यू नो, पोटली, पोटली मालूम है ना, एक पोटली बैग लेके आ जाता है कर्म के, आपकी पोटली, वो धीरे धीरे निकलते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या है उसमें इस जन्म के लिए, वो आ जाता है इनफाइनाइट चंक ऑफ कर्मास में से एक जीवन में कर्म आ गया, अब वो धीरे धीरे खुलता रहेगा, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा कभी सुख आएगा, वो अन वो रिवील होता है धीरे धीरे करके, आकर प्रारब्ध अनफोल्ड होता चला जाता है जीवन के अंतर्गत, कभी सुख आएंगे कभी दुख आएंगे, वो चलते रहते हैं। तो ऐसे ही लोग मिलते हैं वो दुख देने के लिए आते हैं, कभी जो जो आपको दुख दे रहा है मतलब आपका भला कर रहा है, क्यों? कुंती ने बोला था ना दुख देना, क्योंकि आप भगवान को याद करते हो ना, कहा बोले सुख में सुमिरन सब करे, क्या बोला ऑफिस बोलो, सुख में सुमिरन, गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, जागृत होके रहो, क्या बोला मैंने, मैंने क्या बोला, सुख में सुमिरन, हाँ तो उल्टा ही, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, तो इसीलिए जो इसीलिए दुख हो रहा है तो भगवान याद आ गए, ये तो कहाँ याद आएंगे, एकदम जवान है तो सब कोई तकलीफ नहीं था, घूमने जा रहा है, ये मैं सब कुछ हूँ, भगवान नहीं हूँ, अगर सुख में भी सुमिरन करे भगवान का तो दुख कभी ना होए, तो दुख कभी ना होए। जो प्रारब्ध है मतलब जैसे जो घटना घटना है उसे कर्ता कर्म क्रिया, तो इसमें मैं करता हूँ और जो समय मेरा प्रारब्ध लेके आएगा अच्छा या बुरा जो भी वो आएगा समय आएगा उसमें अगर मैं देवी भाव को लेकर मैं उस कार्य को हैंडल करता हूँ तो वही मेरा प्रारब्ध आगे सुधर के बनेगा। एक्चुअली क्या है, और अगर मैं उसको आसुरिक भाव में करता हूँ तो वही मेरा प्रारब्ध आने वाले भविष्य में खराब हो रहा है और आपका इसमें भी काम खराब हो रहा है। एक्चुअली ऐसे सोचे दो फोर्स फील्ड हमारे एक्ट कर रहे हैं, ये एक प्रारब्ध का है एक पुरुषार्थ का है, ये दोनों एक्ट करते हैं। कभी तो ये आपका जो पुरुषार्थ है ना इसको प्रारब्ध धक्का देता है आगे लेके जाता, अच्छी दिशा में लेके जाता है, कभी इसको गलत दिशा में लेके जाता है प्रारब्ध, तो ये हमेशा एक्ट करे, दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली एक्ट करें, पुरुषार्थ और प्रारब्ध, कभी कभी तो वीक होता है प्रारब्ध, कभी कभी बहुत स्ट्रांग हो जाता है, मतलब कभी कभी बहुत नेगेटिविटी अधिक होती है आ जाती है अपने आप ही कहीं से, और कभी कभी हो जाता है, तो ये दोनों साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मन हमेशा अस्थिर होता है, एक तो ये क्वेश्चन था, गुरु जी मन होता है क्या, सच में मन होता है क्या? तो हो रहा है ना, आप देख रहे हो, मन स्थिर होता है तो क्या करे, अस्थिर होता है तो स्थिर चीज को पकड़ लो, ईजी, आप यहाँ से भाग रहे हो, आप पानी में तैर रहे हो, पानी कभी यहाँ फेंक रहा है कभी वहाँ फेंक रहा है, तो इस पोल को पकड़ लो, तो स्थिर चीज को पकड़ने से आप स्थिरता आ जाएगी, स्थिर कौन है, भगवान स्थिर है, मंत्र जप करो और ऐसे ऐसे ऐसी एक्टिविटी मत करो, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है हम उसके अगेंस्ट करते हैं, आप मोबाइल खूब देखते रहोगे तो और मन स्थिर, अस्थिर चीज़ों से दूर हो जाओ और स्थिर चीज को पकड़ लो, ऑटोमेटिकली मस्त हो जाएगा। स्वामी जी एक प्रश्न ऑनलाइन है न्यूजीलैंड से, साधक सुन रहे हैं, इफ गॉड इज ऑल पावरफुल ऑल नोइंग हाउ कैन देयर बी फ्री विल, वुड नॉट गॉड ऑलरेडी नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू बिफोर वी डू इट, इफ ही नोज व्हाट वी आर गोइंग टू डू देन इट मींस वी डोंट हैव फ्री विल, इट इज जस्ट एन इल्यूजन दैट वी हैव फ्री विल, is it not? See, बड़ा इंटरेस्टिंग अच्छा प्रश्न पूछा हूँ, he has asked a good question. किसको उत्तर दिया जा रहा है depends. There cannot be one answer to every question. It depends. एक छोटा बच्चा पूछता है उसको दूसरा उत्तर दिया जाता है, एक बड़ा पूछता है उसको दूसरा उत्तर दिया जाता है, और भी बड़ा उसको दूसरा उत्तर दिया जाता है, अल्टीमेटली तो रियालिटी कुछ है ही नहीं,
सर्वम खलविदं ब्रह्मा, तो बात ही खत्म हो गई ना। कहने का मतलब है जब जिस लेवल पे अग्रसर का प्रश्न जिस तरह से है उनके प्रश्न के उत्तर के लिए एक्चुअली देखा जाए तो हम कर ही नहीं, हम है ही नहीं एक्चुअली। तो अल्टीमेट रियलिटी के अंतर्गत तो आप नहीं है, आपकी फॉल्स फिक्टिशियस नोशन ऑफ आईनेस इज देयर इन यू, कर्तापन है वो फॉल्स है एक्चुअली। मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् दस्ति, तो मैं एक्चुअली वही है। लेकिन अभी हम छोटी क्लास में हैं, अभी हमको लगता है मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, तो हम बोलते नहीं नहीं अभी तो आपका ये है। लेकिन जब ही गोज टू दैट क्लास वेयर ही इज एबल टू फील दैट, तब उसके लिए बताया जाता है नहीं वही करने वाले सब कुछ है, वही जानते हैं, वही करते हैं, उसके अलावा कोई नहीं करता। लेकिन जब नीचे क्लास, लेकिन कई लोग कहते वो करते तो मानते तो उसको करने में लोअर लेवल पे, तब तो उसमें क्या होता है बुद्धि को एक सही स्थिर, हमारा अपने अपना लेवल समझना चाहिए किस क्लास में पढ़ता हूँ, व्हाट इज माय अंडरस्टैंडिंग अबाउट, व्हाट यू फील, आप सुना है समझा तो हुआ है कि सब कुछ भगवान कर रहा है। और अच्छा एक बात बताओ, ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, ठीक है, कौन कौन इसको सच बोलते हाथ खड़ा करो, ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, नहीं हिलता। या आपने हाथ ऊपर किया या ईश्वर ने किया? जो चेतना है वो ईश्वर की दी हुई है ना सर, सीधे सीधा था ज्यादा, मैंने किया, मैंने खड़ा, मैंने किया, तो खड़ा तो अब बताओ, तो जो जिस क्लास में होता जब ऐसा भक्त बोले जब हाथ खड़ा करें वो तो ईश्वर ही कर रहा है, उसका एक्सप्रेशन उसकी फीलिंग उसका अनुभव ये होगा कि मैंने नहीं किया। लेकिन आपको दोनों मैंने किया ना, अरे तो आप उस लेवल पे पहुंचे नहीं हो, आप उस लेवल की एक्टिंग कर रहे हो, वो नहीं करना है। जिस लेवल पे खड़े हैं उसी लेवल से जीवन जिएंगे तब जाके आगे बढ़ेंगे, इसको हिपोक्रेसी कह देते हैं कभी कभी, कि आप समझते तो कुछ और हैं करते कुछ और। ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता उसके लिए है जो परफेक्टली हार्मनी में है ईश्वर के साथ, वो बोलता है। अल्टीमेट रियलिटी भी वही है, लेकिन अभी हम, मैंने कहा ना मैंने खड़ा किया इसको एक्सेप्ट करो, तो मेरे अंदर कर्तापन है, मैंने किया भोजन मैंने भोग रहा हूँ, कर्तापन भोगतापन ज्ञातापन, इसको धीरे धीरे काटना पड़ता है। पहले जैसे माता जी ने पहले दास बन करके, दास बन करके रिलेशनशिप होता बढ़ते बढ़ते, तो देह दृष्टा तु दास हो, हम उसकी दृष्टि दास हो, जीव दृष्टा प्रदंशक और आत्मदृष्टा विवाहम, उसमें और मेरे में कोई गेम, अल्टीमेट रियलिटी के हिसाब से। लेकिन जब हम देखते हैं हमारा फीलिंग है ना मैंने किया, आपने कहा जब कितने किए, मैंने इतने किए, अरे मैं बोल रहे हैं तो आप कैसे बोल रहे ईश्वर ने किया, अगर आप ये बोलते नहीं वो तो ईश्वर ने किए। जब आपकी फीलिंग्स आपका अनुभव और आपका कथन जब उस लेवल का हो जाता है, आपकी अनुभूति उस लेवल की, तब जा करके उसके लिए कोई भी फ्री विल नहीं देती। लेकिन उससे पहले तो फ्री विल और उसकी बातें करनी पड़ती है, क्योंकि समझाना पड़ता है ना। ओके ओके आई फिनिश। और ये तो ये मेरा वाला मेरा क्वेश्चन है, ये दूसरे का था से पहले। मेरा प्रश्न ये है कि आपने बोला ना कि एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड वीडिंग आउट योर एंड वर्किंग ऑन योर शॉर्टकमिंग्स, तो इन माय ऑब्जर्वेशन देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ शॉर्टकमिंग, टू कैटेगरीज ऑफ शॉर्टकमिंग, वन इज वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग एंड अनदर इज शॉर्ट स्टैंडिंग। लाइक इफ वन डेवलप्स अ शॉर्टकमिंग इन अ स्पैन ऑफ 6 months टू अ ईयर, it is easy to overcome that. True. But if the tendencies are hardened over, let's say 5-6 years or even more, and even the practicing of those tendencies every day is like for a longer duration of time, like how to overcome that? And let me, and what I have observed, like if we are working, we know that there is a hardened tendencies in which we have to work and every day, and since the hardened tendency is part of our swabhav, part of our nature, so that means nature means it is working like we are doing it unconsciously. Like for me doing sadhana is unconscious, I'll just sit, I'll start chanting, I'll go in meditation, so it is like natural. Jaise brush karte hain, toilet jaate hain, nahate hain, to ye ek mind mein routine bana hua, automatically ho jata hai. Usi tarah se jo hamari tendencies hoti hain, jo hardened tendencies hoti hain, wo ek unconsciously routine hai, matlab wo ek behoshi mein chala ja raha hai. तो उस बेहोशी चला जा रहा है, मतलब उसको अगर ओवरकम करना है तो हमें उसको याद करना पड़ेगा हर रोज, अरे भैया मुझे इसके ऊपर काम करना है, मुझे इसके ऊपर काम करना है, मुझे इसके ऊपर काम करना है, मुझे काम करना है, और फिर भूल जाते हैं कुछ समय के बाद उसको, हाँ ठीक है खत्म, एक दो दिन तक रहा, हाँ जोश है जोश है, फिर चौथे दिन के बाद बिकॉज इट इज हार्डन ओवर 10 years एंड देन वी फॉरगेट
how to overcome those long standing hardened tendencies, seeing this in mind, seeing this in action. इसमें दो तरह की हो सकती है, अच्छी और खराब. आप ऐसे समझो, मतलब क्या, जब मैं बैठ जाता ऐसे, मतलब ऑटो मोड में चले जाते हैं, बैठ ये किया वो किया, आचमन किया, प्राणायाम किया, विदाउट अवेयरनेस किया, समझ आता ना, कभी आदत ही बन जाती, करते रहो लेकिन अवेयरनेस हो जाती है ऐसे. तो उसके लिए तो आपको बार बार जानना, इसमें क्या करना पड़ेगा, जो युक्त आहार वाला ही फॉर्मूला लगता है, सात्विकता जो बताया ना, तो सात्विकता को बढ़ाते रहो, सात्विक दान, सात्विक यज्ञ, सात्विक कर्ता, सात्विक सब चीज को सात्विक करते जाएंगे, तो आपके अंदर वो जो एक फोर्स है, जो आवरण का फोर्स है, वो धीरे धीरे मंद पड़ना शुरू हो जाएगा. जैसे आप भी महसूस करते होंगे 10 साल पहले या साधना से पूर्व और अभी यहाँ पे फर्क आ गया आपकी चेतना में, यू आर डिफरेंट नाउ बिफोर. तो जैसे ये फर्क आया वो धीरे धीरे करके फर्क आना प्रारंभ हो जाएगा. एक तो जागृत रहना पड़ता है, बार बार जागृत रहना. तो एक जागृत रह करके उन टेंडेंसीज को रोका जा सकता है कि भाई वो दे नहीं, क्या कर रहे हो, कि जब करते करते ऑटो मोड में चले जाते हैं. तो जब का एक बहुत अच्छा तरीका, मुझे एक बहुत अच्छी पुस्तक से, आप भी माता जी मेरे को पास पुस्तक के समाप्त करना अवश्य देता है, कि गोंदवा लेकर महाराज जी हुए हैं, बहुत अच्छे हैं वो, महाराष्ट्र की गजबपुर की पुस्तक, 363 की प्रवचन वाली है, वो रोज पढ़ना चाहिए. तो क्या है कि अभी जैसे एक लोटा रख दिया तो क्या हो गया, आज उसको आपने मांझ करके रखा, कल फिर मांझना पड़ता है. तो ऐसे ये जो सृष्टि बनी है वो तमोगुण प्रधान प्रकृति से बनी है, इसमें ऑटोमेटिकली मोड में नेगेटिविटीज पड़ी हुई है चारों तरफ, इसीलिए वो बनी है. प्योर सात्विक होती तो वो ईश्वर की तरफ चला जाता है, उसके कारण नेगेटिविटी हमेशा आती रहती है, हमेशा. तो लोटे को मांझना पड़ता है ना, तांबे के लोटे को आप मांझ दें तो कल तो आपने कुछ किया ही नहीं, झाड़ू लोग लगाते रहे, तो वो रोज करते रहना पड़ता, करते 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 वो ठीक हो जाता है. एक तो ये करना पड़ता. दूसरा, अपने को सहायता लेनी चाहिए, बहुत सारी सहायता. आप भोजन कैसा कर रहे हैं, आपका सात्विक भोजन है कि नहीं है, आप सात्विक देखते हैं या नहीं देखते, सात्विक सुनते हैं या नहीं सुनते, सात्विक सोचते हैं या नहीं सोचते. तो एवरी लेवल तो ये हो गया. फिर उसके बाद आपका एनवायरनमेंट, आप कैसी जगह रहते हैं, आप रहते हैं दिल्ली में, रहते तो बोलना पड़ेगा दिल्ली में रहते हैं. अब यहाँ देखते हो अपने आप जब होता, अभी मेरे पास में हमारे पास कोई आए थे साधक, तो उनको मैंने बोला 100 माला करो, तो कहते स्वामी जी अभी वो जयपुर चले गए, कहते स्वामी जी उस समय तो आराम से था, अब तो होती ही नहीं है ना. क्यों? क्योंकि वहाँ नेगेटिविटी इतनी सारी होती है, लेकिन हमको रहना वही पड़ेगा. तो प्रयास करना पड़ेगा, कम से कम घर में तुलसी का पौधा लगा लिया जाए, गौमूत्र को आचमन कर लिया जाए रोज, गौमूत्र अच्छे से लेकर के गोबर की धूप लगाइए, केमिकल वाले अगरबत्ती हटाए, तो सात्विक भोजन. फिर आप कोशिश करो कि बाहर का बिल्कुल मत करो भोजन, बाहर का भोजन करो, स्वपाकी हो जाओ. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें करते करते आप, आपका ड्रेसेस ऐसी पहनो, ड्रेस सात्विक ड्रेस पहनी है, ड्रेस से बहुत फर्क पड़ता है. तो आप हर चीज़ को आप एट एवरी लेवल, जिस पे भी आप सोच सकते हैं, खाना खुद बनाइए. स्वपाकी होना एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, हाँ बहुत बड़ा. जैसा खाए अन्न वैसा बने मन. हम कॉन्स्टेंटली अपना वो बना रहे, देख करके सुन करके इंद्रियों द्वारा, तो हमेशा वो सात्विकता को बढ़ा, तो वो ठीक हो जाता है. टाइम लगेगा लेकिन जितनी धीरे धीरे वो सीप इन हुआ. और मंत्र जप को बढ़ाना चाहिए, उसको अधिक करना, अधिक से अधिक, जितना अधिक करेंगे उतना ट्रांसफॉर्मेशन होता जाएगा. हम कई बार क्या होता है, 2 माला के बहुत हो गया, नहीं चलेगा. हनुमान चालीसा के आजकल मैं हनुमान चालीसा के बहुत बोलता हूँ, युवाओं में बहुत परिवर्तन आ रहा है. हनुमान चालीसा कहते हैं स्वामी जी सुबह शाम को, उससे नहीं चलेगा, आपको अधिक करनी पड़ेगी. 10-10 करो, 11 पाठ करो और देखो परिवर्तन, तुरंत नेक्स्ट डे आपको पता चल जाता है परिवर्तन. बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं जो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, तो करना पड़ेगा ना उतना एफर्ट. जैसे मेरे को मोबाइल उठाना है तो उतनी ताकत तो मेरे अंदर होनी पड़ेगी ना. आपको ताकत तो कम लगा, कह रहे उठ जाए तो नेगेटिविटी का जोर मार रहे. आप बम्बई दिल्ली जैसी जगह में रहती हो तो वहाँ पे ऐसा थपेड़े लगते हैं हर जगह से, खाने पीने उठने हर जगह पे, तो सब चीज़ कुछ इसलिए बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है. यहाँ सहजता से हो जाता है ऐसी जगह में. तो कभी कभी ऐसा टाइम निकाल करके ऐसी पॉजिटिव प्लेसेस में आकर के अपने लेवल को ऊंचा कर लिया, फिर चले गए थोड़े दिन के, चले गए कुछ हुआ माता जी से बात कर ली, सत्संग अटेंड कर लिया, ये सारी चीज़ें आपको मदद करेंगी, वो सारी चीज़ों को बीट आउट करेंगी. ठीक है, बहुत देर हो गई है, बहुत अच्छा लगा, आनंद आया, बहुत धन्यवाद. बच्चे भी मेरे खुश है सब. बहुत अच्छा, आप लोग बहुत ही सात्विक लोग आश्रम प्रधान है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप भी हम पॉजिटिव वाइब्स देके जा रहे हैं.
मैं आपका भी धन्यवाद, हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, थैंकफुलनेस हमेशा हर चीज़ के प्रति, जितना जितना थैंकफुलनेस को बढ़ाते जाएंगे तो उतना उतना आप यू विल रिमूव योर डूअरशिप और अहंकार का मदद करेगा। एक गोंदवलेकर महाराज जी का एक बहुत अच्छा कहते हैं, अगर आपको अभिमान हटाना है ना, अभिमान हटाना, जिस चीज़ को अपना अभिमान हटाना है तो हम्बल हो जाओ, हम्बल वो तो वो तो अहंकार जो ना वो हमारे प्रकटन से ही अहंकार, तभी हम हुए नहीं तो होते ही नहीं। ऐसा करो क्योंकि वो हर एक नहीं जान सकता, गुरु जी की इंस्पिरेशन होती है, वो कनेक्टेड होता है आप लोगों से, बोलते ऐसा करो और तुरंत वो कर देना चाहिए, टाइम नहीं लगाना, ये बात मान लीजिए गुरु जी ने बोले ये करो तुरंत, सोच पूछना बाद में, पहले तो कर दो फिर पूछेगा, ये करने से बहुत फायदा। अच्छा नमः शिवाय का प्रश्न है कि हम एक पिक्चर ले सकते हैं आपके साथ, पिक्चर फोटो, अच्छा ये फोटो होती है ना पिक्चर, इसकी लाइफ कितनी है पता है, कितनी लाइफ है मैं बोलता हूँ कितने ही तो होती है, मन में छप जानी चाहिए, यहाँ पे जो होती है अंतर्मन में जो मन में छप जाती है, भी क्या होता है, हमने इस क्षण को कैप्चर कर लिया, आने वाली पीढ़ियां तो देखेंगी ना, देखना हमने रिकॉर्ड कर दिया है, नहीं वो तो होना चाहिए, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा हूं, और हम तो ऐसे युग में आ गए कि हम रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं ना, आने वाली पीढ़ियों को पता नहीं कोई आएगा, कोई आत्मा देखेगी वीडियो यूट्यूब पे देख लेगी सुन लेगी, और क्या मेरा क्या प्रयास होता है ना, जितने संत महात्मा इस जगहों पर है ना वो लोगों को समझे, बाहर के लोगों को उनको लगता है कि वो दुनिया अलग है कुछ और, हाँ, ये दुनिया अलग ही नहीं है एक्चुअली, ये तो अच्छा है, ऐसे आप जाते रहते तो लोगों को भी थोड़ा समझ में आता होगा, लेकिन सबको खींच के ले जाती, चलो संतों के दर्शन करो पहले, बहुत अच्छा, ये आपकी बहुत पॉजिटिविटी है, देख तो नॉर्मली कोई महात्मा लोग तो ऐसे होते अपने शिष्यों किसी और के पास नहीं भेजते, कि माता जी का हृदय बहुत बड़ा है, ऐसा हृदय बहुत कम होता है, वो सच्ची आप लोगों का भला चाहती है, क्योंकि संतों के द्वारा कई ऐसी बातें हमको सुनने को मिलती है जो संभवता और स्थानों पे नहीं हो पाती, वैसे तो गुरुजी बोल रहे होते लेकिन आपको रजिस्टर नहीं हो रहा होता है, सांसारिक लोकादृष्टि में नहीं मिलती, संतों के पास में ही मिलती है, और संतों का क्या है जीवन है ना, उनका जीवन ही एग्जांपल होता है, जब मैं तो कई संतों के पास जा जाकर सीखी हूँ, उनके जीवन ही एग्जांपल है, सारी बुक एक तरफ और संत का दर्शन एक तरफ, जी जी जी, ये तो आप बहुत सही कह रहे हैं, आप बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, फोटो ले लेते हैं, पूर्णमद पूर्णमिदम्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय देवावशिष्यते, ओम शांति शांति शांति, बोली नर्मदा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, नर्मदे गोपाल जी, हाँ ये हमारे गोपाल जी हैं, ये मैया जी आई हैं कैलिफोर्निया से, और ये कहाँ से बता रही हैं, कैलिफोर्निया से ही, मेक्सिको, लेकिन मेक्सिको, ये सारे लोग भारतीय हैं और भारत में रहना चाहते हैं, ये मैया जैसे देश विदेश में प्रचार किया, आप लोग भी चाहते प्रचार कर लेगा, हिंदू धर्म का प्रचार कर, नहीं चाहते तो फिर पाकिस्तान भेज दें, जो हिंदुस्तान में ना मेरा एक ही सबको मैंने बोल के रखा है, जहाँ जाती हूँ घर घर में गीता, घर घर में श्री विद्या, मुसलमान के बच्चों को बोलो कुरान आता है, जाते हैं ना उनके स्कूल की पढ़ाई होगी, मदरसे में उनकी अलग से पढ़ाई होती है, और हमारे हिंदुओं की तो कुछ होती नहीं, नहीं होती है, बाइबल उनको याद है, हमारे हिंदुओं को गीता ही नहीं आती है, मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का, ऐसा मानना है कि अधिकतर लोगों ने गीता को रख के पूजना चालू कर दिया, अगर उसको पढ़ते तो आज ये स्थिति जीवन बदल जाती है, लोगों को बोलते हैं कि अध्यात्म में तो बोले वो लाइफ ही अलग है, वो नहीं जाना, गीता पढ़ो गीता पढ़ो, हम तो आध्यात्मिक है, अभी माता जी के जो बोलती वैसे आप जियोगे ना, आप जैसे जैसे माता जी बोलती गीता जी के अनुसार जीना शुरू करेंगे तो सब चीज आपकी ट्रांसफॉर्मेशन से बी अ चेंज फुल हो जाएगा, दूसरों को चेंज करने से पहले बी अ चेंज, नहीं तो कहेंगे आप तो चेंज नहीं हुए, यू हैव टू बिकम, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, अपने ऊपर अप्लाई सब अपने ऊपर, फिर अपने आप चेंज हो जाएगा, दिस इज द पाथ, मैं इनको यही बार-बार सिखाती हूं, याद रखो स्टेटमेंट, पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन नॉट अदर्स रियलाइजेशन, बहुत अच्छा ठीक है, फोटो ले लेते हैं जरा हम लोग, फोटो हैज टू बी, आओ ओके ओके, फोटो बैठो बैठो बैठो, फोटो लेने वाली है, लाइक दी
औजार पाती को हटा देते हैं आई थिंक हम लोग यहाँ चेयर रख सकते हैं सब लोग पास आ जाएंगे पीछे वाले आगे आ जाएंगे लेकिन आपको देख करके खो गए वो मेरे बच्चे बहुत एक्टिव ऐसा नहीं है आपको देख करके खुशी के